हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाया हूँ, जिससे आप लोग अपने पबजी के सेटिंग्स को 60 FPS तक पुश कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, मैं आपको अपनी गेम की सेटिंग्स अभी दिखाता हूँ। अभी ये स्मूथ, लो, मीडियम, अल्ट्रा पे चल रही है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल दूंगा, वो फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि उस फाइल को आपको कहाँ पे जाके पेस्ट करना है। मैं उसे यूज़ अराउंड 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे लिए अभी तक वो फ़ाइल मुझे मतलब तो मेरी आईडी उससे बैन नहीं हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया मैं उसे। और मेरी एक्चुअली जो मैं अल्ट्रा में खेल पाता था 45 FPS, अब वो 60 FPS पे मैं पुश करके खेल पा रहा हूँ। सो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। सो आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप चाहिएगा अपने इंटरनल स्टोरेज सबसे पहले, फिर उसके बाद एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद आपको सबसे पहले जाना है डेटा में। डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद आपको सर्च करना है com.tencent.ig। फिर उसके बाद आपको जाना है फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद आप जाइएगा यूई फॉर गेम। यूई फॉर गेम में जाने के बाद आपको फिर से जाना है शैडो एक्स्ट्रा में। फिर उसके बाद एक और बार क्लिक करना है शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा में। फिर उसके बाद आपको जाना है सेव में। फिर उसके बाद जब सेव में आइएगा तो नीचे स्क्रॉल करने पे आपको दिखेगा कॉन्फिग। कॉन्फिग में आने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल पेस्ट कर देनी। फाइल पेस्ट हो जाने के बाद फाइल का नेम जो होगा ये enjoy.czzcini होगा। अब इसे पूरा क्लोज कीजिए। पबजी जो आपका खुला हुआ था वो फिर से ये करके फिर से पबजी ओपन कीजिए। अभी आप आ गए गेम में। अभी आपको चेक करना है कि आपने जो सेटिंग्स जो आपने फाइल कॉपी की वो अप्लाई हुआ है कि। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर से ग्राफिक्स में जाना है। बूम गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेम रेट जो है मेरा एक्सट्रीम पे हो गया है। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में ये 110% वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों अपने फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट किया और उनके फ्रेंड फ़ोन में भी काम कर रहे हैं। मतलब रेडमी नोट 5 प्रो तक भी मैंने देखा है कि वो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी अपडेट आई एम सीइंग। और आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे HDR भी एक्सट्रीम पे जा रही है। और मैं अगर आपको अपना गेम मेन्यू दिखाऊं तो आप ऊपर में देख सकते हैं कि ये FPS जो है ये अराउंड 56-57, और आप जब गेमिंग करोगे ये हमेशा 60-61 ही रहती है। ये बहुत अनफ्लक्चुएटेड रहता है। मैं ऐसे स्मूथ एक्सट्रीम पे यूज़ करता हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो प्लीज़ do subscribe and there's a giveaway soon. Thank you for watching this.